नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के ऊपर। इस साल लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स है उनका इस्तेमाल जो कुछ शरारती तत्व हैं वो करेंगे। इस बात के ऊपर चर्चा जो है अभी हाल ही में हुई जयपुर में, जो डीजीज और आईजी लेवल की जो एक मीटिंग थी उसमें हुई। उसमें ये चर्चा हुई कि आने वाले समय में जो एप्लीकेशंस हैं उनमें और ज्यादा इजाफा होगा, जिसके चलते जो थ्रेट परसेप्शंस हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी और ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसा भी समय आ सकता है कि जो चैट बॉक्सेस हैं और उनके जो असिस्टेंट्स हैं आपस में बात करें, ये भी हो सकता है कि वो हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में ही बात करें। सुनने में ये भले ही मजाक लग रहा हो लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे। यही सब जो चर्चा है वो इस मीटिंग में हुई, खास करके जो चर्चा है सिक्योरिटी रिस्क को लेकर हुई कि क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क है इस तरह के, जो अगर स्थिति होती है पैदा तो उसे लेकर क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ये बताया गया कि किस तरह से हाईली सोफिस्टिकेटेड जो गैजेट्री है वो इस्तेमाल की जाती है और इसका पॉसिबल जो मिसयूज है वो कुछ शरारती तत्व कर सकते हैं। सेम टूल्स जो हैं उनको मिलिशियस स्कैम करने में या फ्रॉड करने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इमेजेस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड पोर्नोग्राफी की, तो वो सोशल वर्ल्ड में या सोशल मीडिया वर्ल्ड में काफी देखने को मिलती है। लगभग 98% जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है वो विमेन रिलेटेड होती है, ऐसा इस बैठक में उसके ऊपर भी चर्चा की गई। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो फेशियल एक्सरसाइजेस, फेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं डीप फेक्स को जेनरेट करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड इमेजेस जो हैं वो यूज की जा रही हैं, वो इस्तेमाल की जा रही हैं। इनफैक्ट इस तरह के भी टूल्स आ गए हैं कि वो आपकी मौजूदा पिक्चर्स में से आपके कपड़े तक उतार दें, वो भी जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट कर सकता है। ऐसे कई केसेस जो हैं वो डिस्कस भी किए गए, वॉइस क्लोनिंग के इश्यूज जो हैं वो भी डिस्कस किए गए। हाल फिलहाल में एक हमने केस देखा था जिसमें एक महिला को 1,00,000 से ऊपर जो है वो उसके साथ चीटिंग कर ली गई थी। उसके एक नेफ्यू का फोन कॉल आया था और बोला था कनाडा से वो कॉल कर रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम है और उसे 1,50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। ये वॉइस क्लोनिंग के जरिए मिसगाइडेड यूथ कह लें या ये जो शरारती तत्व हैं वो इस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा पुलिस ने पाया था। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर जो है वो चर्चा की गई कि किस तरह से जो ये स्कैम्स हैं उनसे बचा जाए। हमने अक्सर देखा है कि फैमिली रिलेटेड इस तरह के कॉल्स आजकल अक्सर फोन कॉल्स जो हैं हम लोगों को आते हैं और बोला जाता है कि हमारा सच एंड सच फैमिली मेंबर जो है वो प्रॉब्लम में है, उसे इस तरह की मदद चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, कोई बैंक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फोन करता है और आपकी प्राइवेट डिटेल्स जो है वो जानने की कोशिश करता है, प्राइवेट जानकारी जो है वो जानने की कोशिश करता है। यही नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि वो सरकारी दफ्तरों से बोल रहे हैं और वो जानकारी आपके बारे में हासिल करना चाह रहे हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर चर्चा की गई कि किस तरह से अपने आपको आगाह रखने की जरूरत है, सचेत रखने की जरूरत है। प्राइवेसी कंसर्न्स के ऊपर जो है वो चर्चा की गई, क्योंकि ये हमने देखा है जब हमने एक्सपर्ट से भी बात की तो उनका भी ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एप्लीकेशन है वो जो डेटा है वो कलेक्ट करती है वेब के सभी कोनों से और जो आपका जो पर्सनल डेटा है उसको वो स्टोर कर लेते हैं और जब उसका इस्तेमाल करना होता है इस तरह के जो साइबर हैकर्स हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब भी कभी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से कोई अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो अपना जो पर्सनल डेटा है उससे साझा ना करें। ये जो बात है इस बैठक में उसके ऊपर चर्चा की गई। साथ में ये भी बोला गया कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसे गार्ड किया जाना चाहिए प्रॉपरली, ताकि ये इस तरह के जो लोग हैं वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। ये प्राइवेसी कंसर्न को लेकर इसके ऊपर चर्चा हुई। जो तीसरी बड़ी बात के ऊपर जो चर्चा हुई वो है किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक्स हैं वो फेक वीडियोस भी प्रोपगेट करते हैं। हमने हाल फिलहाल में देखा था कि प्रधानमंत्री का खुद का एक वीडियो जो है वो सामने आया था और खुद प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर जो है वो चर्चा की थी और उन्होंने इस बैठक में ये भी बोला कि इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कहीं
ऐसा ना हो कि वो आतंकवादियों के हाथ में चली जाए और वो उसका इस्तेमाल करें। तो पुलिस कर्मियों को ये बोला गया है उनसे आगे रहने के लिए आप टेक्नोलॉजी का जो है सही तरह से अध्ययन करें, और जो लोअर लेवल ऑफ कॉन्स्टेबल बरी है साथ में जो लोअर लेवल के जो पुलिस वाले हैं उनको भी इसके बारे में सचेत किया जाए। साथ में जो यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने इस बात के ऊपर भी स्ट्रेस किया कि जो क्योंकि अब जो नए कानून आने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता कानून, उसमें सारी की सारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो डिजिटाइज होने जा रही है, एविडेंस कलेक्शन जो है वो डिजिटाइज होने वाला है। तो ऐसे में जितने भी डेटाबेसेस हैं उन्हें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से बचा के रखेंगे, इसके बारे में जो टेक्निक है वो लोअर लेवल के लोगों को उसके बारे में भी जानकारी जो है वो साझा की जाए, एक एनालिटिकल अप्रोच ली जाए, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री का कहना था जब इस तरह के सुरक्षा चैलेंजेस से वो जूझ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात जो इस बैठक में चर्चा हुई कि भारत में फिलहाल इस तरह का कोई कानून नहीं है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक्स के लड़ने का कानून नहीं है, जो नॉर्मल कानून है वही है। लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसके अपलोड होने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया जो है वो की जाती है, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। रादर ऐसा होना चाहिए जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसमें एक वार्निंग आए कि ये एक मॉक्ड वीडियो है, इस तरह का एक तंत्र या इस तरह का एक कानून जो है सरकार को लेकर आना चाहिए। और यही नहीं, अभी जो फिलहाल कानून है उसमें सारा का सारा एंटायर बर्डन जो है एक विक्टिम के ऊपर है। विक्टिम जब पुलिस के सामने जाती है और तब वो बताती है कि उसके साथ ऐसा हुआ, तभी जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ऐसे में जो जरूरी है, ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स का भी कहना है और साथ में इस बैठक में भी इस पर चर्चा हुई कि कानून जो लाए जाए ताकि कीपिंग इन माइंड जो हमारी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, कीपिंग दैट इन माइंड कानून लाए जाए ताकि टेक्नोलॉजी के अहेड ये कानून रहे। तो ये सब बातें जो है इस बैठक में चर्चा की गई और एक रोड मैप इन पुलिस वालों को तैयार करने के लिए दिया गया है कि किस तरह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस, जेनरेटेड पोर्नोग्राफी और डीप फेक वीडियो से जो है वो जूझेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी चंद महीनों में चुनाव है, लोकसभा पोल्स है, तो ऐसे में ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि इस तरह की जो डीप फेक वीडियोज हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपलोड करेंगे ताकि लोगों को वो गुमराह कर सकें। तो शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते दोबारा। धन्यवाद।